नमस्कार दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन चल रहा है और देखते हैं कि इस मूवी ने अपने 3 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है। और आज हम इससे कंपेयर करने जा रहे हैं ऋतिक रोशन की मूवी लेटेस्ट वार से, देखते हैं कि किस मूवी ने अभी तक किस मूवी को पीछे छोड़ा है और कौन सी मूवी 2019 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम करने वाली मूवी साबित रही है। देखते रहिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक जरूर कर देना। अब हम बात करें ऋतिक रोशन की मूवी वार ने अपने पहले दिन 53 करोड़ पे 35 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन ओपनिंग साबित हुई है। और अपने सेकंड दिन की बात करें ऋतिक रोशन की मूवी 24 करोड़ 35 लाख रुपए की ओपनिंग की है, जो कि काफ़ी सुपर डुपर ओपनिंग साबित की गई है। और अपने तीसरे दिन की बात करें इस मूवी ने 22 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है, जो कि इससे भी बेहतरीन ओपनिंग करती हुई नज़र आ रही है। और वार मूवी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीसरा हफ्ता चल रहा है और इस मूवी ने अपने तीसरे हफ्ते में 295 करोड़ रुपये की कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। और इससे यह पता चलता है कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की मूवी एकदम सुपर डुपर हिट जाने वाली है, क्योंकि इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है और इनको रेटिंग 5.4 की रेटिंग भी दी जा रही है। अब हम बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की, बात करें इस मूवी को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन चल रहा है और देखते हैं कि इसमें हाउसफुल ने 3 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितना कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 18 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जो कि उनके लिए काफ़ी बताया जा रहा। और अपने सेकंड दिन की बात करें इस मूवी ने 18 करोड़ 81 लाख रुपए की ओपनिंग साबित की है। और अपने तीसरे दिन की बात करें इस मूवी ने 15 करोड़ 33 लाख रुपए की ओपनिंग साबित हुई है। और इस मूवी ने अपने 3 दिनों का टोटल कलेक्शन कर लिया है 53 करोड़ 22 लाख रुपये का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। और इस मूवी को काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और काफ़ी कॉमेडी भी मूवी साबित हुई है। अब हम ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस ने इस मूवी को 4.5 की रेटिंग भी दी है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं और हाउसफुल और वार से कहने के लिए तो अब देखा जाए मार्केट में सबसे ज़्यादा वार मूवी काफ़ी अच्छी साबित हुई है, क्योंकि उस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा जाल बिठाया है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। और इससे ये साबित होता 2019 की सबसे हाईएस्ट इनकम कमाने वाली वार साबित हुई है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए हाउसफुल 4 में से वार में से किस मूवी को आपने ज़्यादा पसंद किया है और कौन सी मूवी ज़्यादा कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।